छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आरक्षण विधेयक में राज्यपाल के दस्तखत होने में हो रही देरी पर सियासी बयानबाजियों के बीच विधानसभा अध्यक्ष चरदास महंत ने सदस्यों से कहा है कि राजभवन और राज्यपाल के प्रति मर्यादा का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन पर किसी भी प्रकार की अशोभनीय बात सदन की मर्यादा के खिलाफ है। भाईवाल डाटा आयोग की रिपोर्ट जिस दिन विधानसभा में बहस हुई, उस दिन हमने कहा है कि जो उद्देश्य के कथन में शामिल है उस दस्तावेज को आपको रखना नहीं चाहिए। सत्तारूढ़ दल क्यों नहीं रखे उस दिन, हमने मांग के दिया। पिछली बहस 2 तारीख की बहस निकाल के देख लीजिए, ये रखना नहीं चाहते, नैतिकता नहीं है इनमें, असली चीज ये है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बिल पारित करके और राजभवन दस्तखत के लिए भेजा है, या तो राजभवन उसमें दस्तखत करे या वापस करे। जो लिंगर ऑन करने से, जो महामहिम कल तक ये कह रही थी कि मैं तुरंत दस्तखत करूंगी और इसको अटका देना, ये समझ से परे है। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात की खुलासा करी कि जिस बिल को वो स्वयं अनुमोदन किए हैं, विधानसभा में पारित किए हैं, उसके खिलाफ आज क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में आज बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा आज सदन में भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सर्वसम्मति से जो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सर्वसम्मति से जो आरक्षण विधेयक पास करते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ये कहती है सरकार को आप अध्यादेश लाइए।